मुबारक घर से भाग नेता जी को देखने निकला था, लेकिन सैफई की जगह पहुंच गया कानपुर। और अब अखिलेश यादव ने इस नन्हे समर्थक के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 11 अक्टूबर को पैतृक आवास सैफई में अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनके बहुत से फैंस चाहकर भी उनका अंतिम दर्शन नहीं कर सके। मुलायम सिंह के चाहने वालों में ऐसा ही एक फैन है, 10 साल का ये बच्चा, जो उनके निधन की खबर सुनकर घर वालों को बिना बताए नेताजी के अंतिम दर्शन को निकल पड़ा, लेकिन वो सैफई की जगह भटक कर कानपुर पहुंच गया। इस बच्चे को भटकता देख जीआरपी ने जब उसे पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आया, और बच्चे ने बताया कि जब हमको पता चला कि मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं, तो हम नौतनवा से इटावा जा रहे थे। और आगे इस बच्चे ने क्या कुछ बताया, जरा पहले ये सुन लीजिए। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, मैं नौतनवा विधानसभा। नौतनवा विधानसभा? हाँ, वहाँ से 50 किलो मीटर हमारा घर है। हाँ। वो हमारा नौतनवा विधानसभा है। हाँ। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे मुलायम सिंह को देखने के लिए। हम तो पता चला कि मुलायम सिंह दुनिया में नहीं रहे हैं, इतने के कपड़ा भी नहीं पहने हैं हम। हाँ। यहाँ से तुरंत हम ट्रेन में बैठे हैं, लक्ष्मीपुर से बैठे हैं, गोरखपुर आए यहाँ पे बैठे, गोरखपुर से नीचे कानपुर स्टेशन पे हैं। अब हम यहाँ गोरखपुर से तब लखनऊ आए हैं, उनसे पहले आने गए थे। अच्छा, अब यहाँ से छुट्टू के कहाँ जाओगे? अब मन चल रहा था जाने के लिए। मुलायम सिंह से, मुलायम सिंह को क्या होगा? अब एक दुनिया में नहीं रहे मुलायम सिंह। मिलने गए थे? हम मिल नहीं पाए, हम तो जला लाता इटावा पहुँच के। हम तो जला लाता बता दिया, हम यहाँ कानपुर स्टेशन में कानपुर आ गए। अच्छा, अब फिर से मिलने जाओगे क्या? अब मिलने जा रहे थे, अब क्या करें, अब घर वाले आ रहे हैं, हम तो रो रहे थे। हम भी ने बताया है हम इस साल प्रचारक है, पक्षी झंडा बांध के खेती पे हम प्रचार कर रहे थे। इस टाइम प्रचारक हो सपा के? हाँ, ना तीन तो पूछ लीजिएगा, हम तो थक जाते हैं। तो सुना आपने, ये नन्ना समर्थक मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर से निकला था, लेकिन गलती से ये कानपुर पहुंच गया। नवरतन यादव उर्फ साजन का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, चर्चा में आ गया, और ये वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने भी आया, तो उन्होंने तुरंत उसे मिलने के लिए सैफई बुला लिया। पूर्व विधायक मुन्ना सिंह व निवर्तमान जिलाध्यक्ष आमिर हुसैन उसे लेकर सैफई के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि महाराजगंज जिले के मलनी फुलवरिया गांव निवासी सिकंदर यादव का पुत्र नवरतन यादव कक्षा 5 का छात्र है। इस छोटी उम्र में ही वो साइकिल लेकर गांव-गांव घूमकर समाजवादी पार्टी का प्रचार भी करता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के देहावसान की सूचना मिलने पर वो बिना अपने घर वालों को बताए अकेले ही सैफई जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। नवरतन और जीआरपी पुलिस के संवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से देखते ही देखते वो चर्चा में आ गया। इस बात की जानकारी जब पूर्व सीएम अखिलेश यादव को हुई तो उन्होंने नवरतन से मिलने की इच्छा व्यक्त की। आज सुबह 9 बजे के करीब उन्होंने निवर्तमान जिलाध्यक्ष से बच्चे के बारे में जानकारी का उसका कुशल क्षेम पूछा। जानकारी होने पर पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह नवरतन यादव के घर गए तो उसने भी सैफई चलकर अखिलेश यादव से मिलने की इच्छा जताई, तो अखिलेश यादव ने भी तुरंत बोल दिया कि बच्चे को लेकर सीधा उनके पास पहुंच जाए। और अब ये 10 साल का नन्ना समर्थक अखिलेश यादव से मिलने के लिए सैफई जा रहे हैं, चल रहे हैं घर पे। हमारा नाम है छानूलाल यादव, जा रहे हैं सैफई। यहाँ से जाए हैं लक्ष्मीपुर, ट्रेन पे बैठे हैं, फिर वहाँ से जाए दौरतपुर, फिर वहाँ से बैठे हैं जाए कानपुर, कानपुर से फिर बैठे इटावा। तब वहाँ पूछे हम तो जाना है सैफई, तब तो फूल वाले ने हम तो दला लास्ता बता दिया, हम कानपुर चले आए। जा रहे थे देखने मुलायम सिंह को, अब जा रहे हैं सैफई। फिर अखिलेश यादव थे कानपुर में, फिर सैफई नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए? अब यहाँ से लास्ता दलट बता दिए सब लोग, तब थाने पे छे हम, यहाँ से हमारे पापा लग घूमती है सब लोग, तब हमारे पापा चल लिया था। कैसे पता चला है कि मुलायम? हमारे बाबा ने फोन करिए, ए भैया पास, ए भैया ने हम तो लिया था। अब ये बताओ मुलायम सिंह से अब तो मिल नहीं पाओगे, वो जा रहे थे जी, कोई इसी का कष्ट है? हाँ, बहुत कष्ट है, ट्रेन में हम आ रहे थे, बहुत रोए हैं, बहुत दुख हुआ है हम तो। हाँ, क्या सूची हो रही, बात तो है नहीं, क्या सूची हो रही, जा रहे हैं मिलने। वीडियो पे हमने इसकी फोटो देखी, फिर इसके घर वालों से संपर्क किया,
ये जो बच्चा खड़ा है इसका पिता हमारा उस गांव का कार्यकर्ता शिव कुमार यादव नाम है, उसके द्वारा पता चला। तो फिर उसने कहा कि उसका पिता और एक आदमी गांव के गए हैं बच्चे को लेने के लिए। इसके बाद हम प्रयास करते रहे, हमको खबर मिली कल कि बच्चा आ गया घर पे। तो हमारी इच्छा थी कि हम लेके जाएं, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेशा आया कि बच्चे से हम मिलना चाहते हैं। अब इस बच्चे को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जा रहा हूँ। ये बच्चा बहुत तेज है, मैं चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का, साइकिल में 25 झंडा बांध लेता था और कोई आदमी इसको अगर पैसा देता था तो ये बच्चा पैसा नहीं लेता था और कहता था नहीं हम प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। और एक दिन एक लड़का इसके साथ पैसा ले लिया तो इसने उसे झगड़ा कर लिया था कि बाबा चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमको बाबा कहता है और उनके पास पैसा नहीं है, पैसा क्यों लिए। तो ये सोच का ये बच्चा है, तो हमको अच्छा लगता था। लेकिन हमारी इच्छा थी कि ये पढ़े, लेकिन इसकी इच्छा नेतागिरी करने की। देखिए इस बार उसको जो अच्छा रास्ता दिखाऊंगा, जहां तक इसको सफलता मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास ले जा रहा हूं, उनका आशीर्वाद इनके लिए काफी है। मेरा नाम आमिर हुसैन है, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हूं समाजवादी पार्टी महाराजगंज का। इस बच्चे के बारे में जैसे ही माननीय जी को सूचना मिली तो इस दुख के घड़ी में भी उनको इतनी फिक्र थी इस बच्चे की, उन्होंने फोन करके कहा कि सकुशल इस बच्चे को जहां भी हो पहले प्रबंध करो इनके घर जाने का, और अगर ये आना चाहें तो इनको सकुशल लेकर के हमारे पास आओ। उनके निर्देश पे ही हम लोग जो है इस बच्चे से संपर्क किए, जीआरपी से हमने कानपुर संपर्क किया था तो पता चला कि कल शाम को इसके पिताजी वहाँ से जीआरपी से लेकर के घर आ गए थे। फिर हमने विधायक जी से बात की और इनके घर वालों से बात की, परिजनों से, और बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश उनको दिया। तो इनकी इच्छा है, इनको वहाँ तक जाना है शोक सभा में आदरणीय नेताजी के। नेताजी इस सदी के जननायक हैं, उनसे एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर कोई प्यार करता था। और जो जनसैलाब था सैफई में, मैदानता से लेकर सैफई तक और सैफई में जो जनसैलाब था, ये दर्शाता है कि कितने महान नेता थे। और तभी आज भी आप देख रहे हैं कि एक बच्चा उनसे मिलने के लिए कैसे ही अपने घर से इतनी दूर से इटावा तक पहुँच गया, हालांकि वहाँ तक नहीं जा पाया। इसके इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग इसको लेकर के सैफई जा रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे और इसकी इच्छा।